गाइस, आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे बक्कल किस तरह से जमाया जाता है और कैसे शोल्डरिंग किया जाता है। बक्कल जमाते वक्त सबसे पहले हम बड़े स्टोन डाई में जमा लेंगे। डाई में स्टोन जमाते वक्त ध्यान रखें कि डाई में स्टोन बढ़िया तरीके से सेट हो गया हो, ताकि शोल्डरिंग करने में आसानी हो। हमारा बड़ा साइज जमा कर हो जाने के बाद हम इसमें छोटे साइज का स्टोन जमा लेंगे। स्टोन जमाते वक्त दोनों हाथ की मदद से स्टोन बढ़िया तरीके से डाई में सेट कर लें, ताकि शोल्डरिंग करने में आसानी हो। ये हमारा पीस जम चुका है। अब हम इस पर एसिड मार लेंगे। एसिड मारते वक्त ध्यान रखें कि जहाँ पे हमें शोल्डर करना है वहाँ पर एसिड लगा हो। अब हम इसे आयरन की मदद से शोल्डरिंग कर लेंगे। शोल्डरिंग करते वक्त ध्यान रखें कि टाका ना तो बहुत ज़्यादा हो ना तो बहुत कम, और टाका मारते वक्त टाका बढ़िया तरीके से पिघल कर मारना चाहिए, जिससे कि हमारा पीस टूटे नहीं। शोल्डर मारते वक्त ध्यान रखें कि पीस का शेप खराब ना हो। जो डिज़ाइन हमारा बन रहा है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन जाए। ये हमारा बक्कल शोल्डरिंग हो चुका है। शोल्डरिंग करने के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं पे शोल्डर हमारा छूटा तो नहीं है। बढ़िया तरीके से देख लेंगे कि कहीं पे शोल्डर हमारा छूटा नहीं है ना। अब हम इस पर पिन मार लेंगे। पिन मारने के लिए डाई में पिन जमा लेंगे और दोनों तरफ से चार टाका मारेंगे, ताकि पिन टूटे नहीं। पिन शोल्डरिंग करते वक्त ध्यान रखें कि पिन बिल्कुल पीस के सेंटर में लगा हो। ये हमारा पीस रेडी हो चुका है।